डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन हियरिंग एम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आज हम जानते हैं विकलांगता से संबंधित अधिनियम और उनमें शामिल विकलांगताएं। बहुत ही धमाकेदार और मजेदार वीडियो है, इसको अंत तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा और इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, कोई भी सजेशन किसी भी तरीके का अंत तक देखिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह के उचित वीडियो आपको मिलते रहें और आप सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकलांगता से संबंधित अधिनियम यानी कि डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्ट्स कौन कौन से हैं, उनको पहले हम जान लेते हैं। इसके बाद में हम जानेंगे कि उनमें कौन कौन सी विकलांगताएं शामिल हैं। सबसे पहला अधिनियम है भारतीय लुनासी एक्ट 1912, यानी कि इंडियन लुनासी एक्ट 1912, यानी कि 1912। ये एक्ट है जो सबसे पहला आया था। नेक्स्ट जो एक्ट है, अधिनियम है, वह है मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। और नेक्स्ट जो एक्ट है वह है भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जिसको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। और नेक्स्ट है विकलांगजन अधिनियम, समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी 1995, यानी कि पर्संस विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। ये इसका पूरा नाम है इस एक्ट का, कभी भी नाम पूछता है तो इसका यही पूरा नाम है। और नेक्स्ट है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, स्वलीनता, प्रमस्तिष्की पक्षाघात, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता, यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी 1999। ये भी जिसको हम लोग एंटी एक्ट शॉर्ट में कहते हैं, ये इसका पूरा नाम है, कभी भी नाम पूछे तो यही पूरा नाम लिखिए। और नेक्स्ट है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, Rights of Persons with Disabilities Act 2016, यानी कि 2016। तो ये विकलांगता से संबंधित अधिनियम है। अब हम एक एक करके जानेंगे कि कौन से अधिनियम में कितनी विकलांगताएं शामिल हैं। सबसे पहला एक्ट है भारतीय लुनासी एक्ट, इंडियन लुनासी एक्ट 1912। इसमें किसी भी प्रकार की विकलांगता से संबंधित ज़्यादातर जो मेंटल रूप से दिक्कत होती थी उन्हीं को ये प्रमोट करता था, उन्हीं के लिए साइकियाट्रिक्स वगैरह व्यवस्था की जाती थी। लेकिन उस समय अधिक व्यवस्था ना होने के कारण ये ज़्यादातर ना टेक्नोलॉजी थी, आगे चल नहीं पाया। और एक लंबे समय के बाद एक दूसरा जो एक्ट आया, बहुत ही लंबे समय के बाद, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, जो उसका रूप ले लिया, या यूं कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो उसी का दूसरा रूप कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसी से संबंधित काफी चीजें इसमें होती थी। इसमें एक व्यक्ति जो मानसिक मंदता के अलावा किसी भी मानसिक विकार के कारण उपचार की आवश्यकता होती है उसे, उससे संबंधित इस एक्ट में उसे शामिल किया गया है। या यूं कह सकते हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर या मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड चिल्ड्रेन होते हैं उनको शामिल किया जाता है इस एक्ट के अंतर्गत, और उन्हें पूरी तरीके से उपचार व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट और जो तीसरा अधिनियम है, ये जो तीसरा अधिनियम है वह भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992। आइए इसमें देखते हैं कि कितने प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। सबसे पहला है विजुअली हैंडीकैप्ड, जिसको हम लोग दृष्टि विकलांगता कहते हैं, सेम टू सेम एक्ट में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हियरिंग हैंडीकैप्ड,
यानी कि श्रवण विकलांगता। नेक्स्ट है सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि गतिशील अक्षमता से पीड़ित, जिसे आजकल हम लोकोमोटर डिसेबल्ड कहते हैं। और नेक्स्ट है सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक मंदता से पीड़ित। तो ये भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम में शामिल चार प्रकार की विकलांगताएं हैं। नेक्स्ट है विकलांगजन अधिनियम समान अवसर अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी 1995, यानी कि पर्संस विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995। अब देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। पहला है ब्लाइंडनेस, यानी कि पूर्ण दृष्टिहीनता। दूसरा है लो विजन, यानी कि अल्प दृष्टि, जिसे थोड़ा बहुत दिखता हो। नेक्स्ट है हियरिंग इंपेयरमेंट, यानी कि श्रवण बाधित। नेक्स्ट है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी कि गतिशील अक्षमता, जो चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, यानी कि कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति। और नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता, जिसका वर्तमान में नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बौद्धिक अक्षमता। ये उस समय यही नाम था, इसलिए मैंने यही नाम उसमें लिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो मेंटल रिटार्डेशन है उसका नाम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिया जाता है। और नेक्स्ट है सातवां मेंटल इलनेस, यानी कि मानसिक रुग्णता। तो ये विकलांगजन अधिनियम में सात प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। इस एक्ट का अधिनियम का पूरा नाम क्या है, इसमें कितनी विकलांगताएं हैं, इसको ध्यानपूर्वक समझिए और जानिए। आइए अब नेक्स्ट एक्ट जानते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यास अधिनियम स्वलीनता प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता 1999, यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी 1999, जो एंटी एक्ट, हम जिसे शॉर्ट में कहते हैं एंटी एक्ट 1999, ये इसका पूरा नाम है। कभी भी नेम पूछता है तो इसका फुल नेम यही होता है अकॉर्डिंग टू इन दिस एक्ट। आइए इसमें जानते हैं कि कितने प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है। सबसे पहला है ऑटिज्म, यानी कि स्वलीनता, जिसको स्वपरायणता के नाम से भी जाने जाते हैं। सेरेब्रल पाल्सी, यानी कि प्रमस्तिष्क की पक्षाघात। नेक्स्ट है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता। और नेक्स्ट है मल्टीपल डिसेबिलिटी, जिसको हम बहुविकलांगता कहते हैं। तो राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत ये चार प्रकार की विकलांगताएं शामिल है। ध्यान दीजिए, हम केवल कौन कौन सी विकलांगता से संबंधित अधिनियम है और उनमें कितने प्रकार की विकलांगताएं शामिल है ये पढ़ रहे हैं, इसलिए केवल नाम बताया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें सभी विकलांगताओं का परिचय और उनका विस्तार दिया जाएगा। आइए नेक्स्ट जो हमारा अधिनियम है वो है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, यानी कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। सबसे पहला है ब्लाइंडनेस, यानी कि पूर्ण दृष्टिबाधिता। लो विजन, जिसको अल्प दृष्टिबाधिता बोलते हैं। लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, जिसको हम लोग कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति बोलते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसको गतिशील समस्या, या ड्वार्फिज्म, यानी जो बौनापन होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग बौद्धिक अक्षमता। मेंटल इलनेस, जो मानसिक रुग्णता होता है। सेरेब्रल पाल्सी, जो प्रमस्तिष्क की पक्षाघात। इसके बाद स्पेसिफिक जो लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कि विशिष्ट अधिगम, जो अक्षमता से संबंधित विकलांगता होती है, ये से संबंधित है। और नेक्स्ट है
स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी जो बाणी और भाषा से संबंधित विकलांगता होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो हमारे मसल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिड अटैक विक्टिम जो एसिड वगैरह फेंक देते हैं लोग या चेहरे पर तो उससे संबंधित कोई समस्या है तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016। पार्किंसंस डिजीज जो एक हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड ये समस्या है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये सब जितने भी हमारा जो ब्लड रिलेशन है ये थैलेसीमिया हो गया, हेमोफीलिया हो गया, सिकल सेल डिजीज हो गया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये जो जिसको हम लोग स्वलीनता कहते हैं, और नेक्स्ट है क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, और लास्ट डिसेबिलिटी है मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंडनेस। यानी कि ये 21 प्रकार की विकलांगताएं RPWD एक्ट 2016 में शामिल हैं। तो डियर लर्नर, आज हमने जाना कि विकलांगता से संबंधित कितने अधिनियम और उनमें कितनी प्रकार की विकलांगताएं किस किस एक्ट में शामिल हैं, ये हमने जाना। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे आपको इसी तरीके के मजेदार विकलांगता से संबंधित उचित और एप्रोप्रिएट वीडियो आपको मिलते रहें समय समय पर, और साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये फायदा दे, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए जानना जरूरी है कि एक विकलांग व्यक्ति के लिए उनसे संबंधित कौन कौन से अधिनियम हैं और उसमें कौन कौन सी विकलांगताएं हैं, ये सभी के लिए हमारे समाज के लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कभी कभी, और साथ ही ये सिलेबस से भी संबंधित है। ओके, थैंक यू सो मच।